तो जैसा कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर वाले तो सेकेंड ईयर में आ गए, लेकिन जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका कोर्स पूरा हो चुका है और अब उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है हॉस्पिटल में, चाहे तो सरकारी अस्पताल में जाएँ जो मेन होता है, मुख्य अस्पताल होता है, या फिर पी एस सी सी एस सी आप जानती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ जाकर के आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो देखिए कॉलेज की तरफ से आपको क्या मिला है, ये चार तरह के पेपर आपको मिले हैं, एक स्टूडेंट के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार तरह के पेपर आपको मिले हैं, ये देखें 1 2 3 4, तीन तो बिल्कुल सेम है, एक बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगा। तो ये कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तारीख जब जारी हुआ है, टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO या फिर CMS, तो यहाँ पर CMO या CMS के द्वारा आपको लिखवाना है, आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, वहाँ जा कर के लिखवाना है, जहाँ CMO बैठता है वहाँ पर जा कर के आपको लिखवाना है। हालांकि ये नहीं है कि CMO से ही मिलना है आपको, आप जा कर के वहाँ जो उनके ऑफिस में रहते हैं कोई इस तरह के आपको मिल जाएँ जो CMO की तरफ से लिख के दे दें और मोहर मार के दे दें। CMO काम नहीं करते मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आप CMO ऑफिस में जाएँ और CMO कहे जी भाई आप ये काम कर दीजिए, निचले स्तर के कर्मचारी ही उनका काम कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ नोट लेस देन 500 आवर, यानी 500 आवर्स, यानी कहना चाह रहे हैं कि जो 500 घंटों की आपकी ट्रेनिंग होगी, आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि 500 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी है। रेस्पेक्टेड सर, यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका नाम है, सन ऑफ डाल दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्लीटेड 2 ईयर डी फार्मा कोर्स इन अवर इंस्टीट्यूट एज़ पर PCI रेगुलेशन, ही या शी अंडर गो नोट लेस देन 500 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल, इट इज़ हियर बाई रिक्वेस्टेड काइंडली प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन योर हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज, थैंकिंग यू। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज से स्टूडेंट पढ़ कर गया है, कोर्स करके गया है, आप कृपया इन्हें ट्रेनिंग कराने की एक जैसे अनुमति प्रदान करें, एक कराने का कष्ट करें। तो ये वहाँ पर कॉलेज की तरफ से ही स्टाम्प दिया गया है और यहाँ पर साइन हुए हैं, ये मोहर है कॉलेज की और यहाँ पर साइन हुए। तो ये आपको चार तरह के पेपर मिलेंगे, पहला पेपर तो मेन ये है, दूसरा मैं दिखाता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा भी आप देख सकते हैं, स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, यहाँ आपका जो एड्रेस है वो मिल जाएगा, यहाँ पर डेट है जिस दिन इशू हुआ है, यानी जिस तारीख को आपको ये दिया गया है, यहाँ पर साइन सिग्नेचर फिर से वही खाली छोड़ दिया गया है। तो ये स्टूडेंट को नहीं भरना है, ये सब जो है लिख करके दिया है, कॉलेज वालों ने ही लिख कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा पेपर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा ये दिखाया है और तीसरा भी ऐसा ही है, ये तीन पेपर बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल अलग है। अब ये क्या करना है इनका, इन चारों को लेकर के आपको जाना है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर, वो भर करके आपको देंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको ट्रेनिंग कहाँ करनी है, किसी गांव में करनी है, किसी कस्बे में करनी है, किसी PSC में, किसी CSC में, कहाँ करनी है वो डिसाइड करेंगे, CMO आपका डिसाइड करेगा या जो उसके कर्मचारी होते हैं कार्यालय के वो डिसाइड करेंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या काम करना है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऑफिस में जाकर कुछ पैसे देने हैं ताकि वो ऐसी जगह आपकी ट्रेनिंग के लिए लिखें जहाँ आपके पास पड़ती हो या जहाँ आपको ना जाना पड़े। तो 4-5 हज़ार रुपये आपके लगेंगे CMO ऑफिस में ताकि वो आपकी पसंद की जगह आपको भेज दे। मान लिया जैसे मुजफ्फरनगर का है, ये स्टूडेंट जाएगा कहेगा सर मुझे तो मुजफ्फरनगर में ही दे दीजिए, कोई शहर में दे दीजिए या कोई आसपास जो गांव पड़ता है वहाँ दे दीजिए जो मेरे बिल्कुल पास हो, 5 हज़ार रुपये लेकर के काम हो जाता है 4-5 हज़ार रुपये में। फिर जहाँ जाते हैं PSC में, वहाँ आपको 500 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है और 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसे करना होता है, लेकिन वहाँ पर जाकर भी आप पैसे दे करके ऐसा कर सकते हैं नॉन अटेंडिंग, यानी आप वहाँ नहीं जाएंगे और आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो जब CMO लिख करके दे देगा, CMO ऑफिस से लिख करके आपको दे दिया जाएगा, आपको जिस भी PSC CSC किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइवेट में नहीं चलेगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप नहीं कर सकते हैं, कितना ही बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, आपको केवल सरकारी हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग करनी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप वहाँ पर भी पैसे भर सकते हैं जहाँ आपका नंबर आता है, PSC CSC जो भी होती है वहाँ पैसे भर सकते हैं, पैसे भरने के बाद आपको जाना नहीं पड़ेगा, 3 महीने का कोर्स वो दिखा देंगे कि हाँ आपने ट्रेनिंग कर ली है, 3 महीने के बाद जाइएगा वहाँ से ट्रेनिंग लेटर लेकर के आ जाइएगा। तो बिना जाए भी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, हर बार होती है, बहुत से बच्चों की होती है, बहुत से क्या सभी बच्चों की ऐसी होती है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मन है, तो आप जा सकते हैं, रोज़ 4-5 घंटे आपको जाना होगा,
500 घंटे करने हैं 3 महीने के अंदर अंदर, हिसाब लगा लीजिएगा, या फिर बिना जाए आप इसे कर सकते हैं ट्रेनिंग को, आपको थोड़े पैसे भरने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 10,000 के करीब खर्चा आ जाता है, 5,000 सी एम ऑफिस में, 5,000 उस सी एस सी पी एस सी या उस ग्रामीण अस्पताल में जहाँ आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ये वाला जो फॉर्म है ये आपका सी एम ऑफिस में जमा हो जाएगा, क्योंकि ये बताया गया है कि आप इस कॉलेज से करके आएँ, ये आपका सी एम ऑफिस में जमा हो जाएगा। बात करते हैं अब इन तीन की क्या होगा। ये पहला वाला आपको जिस भी हॉस्पिटल में आपका नंबर आएगा या जहां आपका लिखा जाएगा वहां जाकर के सबमिट करना है। दूसरा वाला ये जब 3 महीने की कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग, ये आपको वापस कर दिया जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला ये भी आपको दिया जाएगा, ये आपको कॉलेज में जा कर के जमा करना है। दोबारा से समझ लीजिएगा, जो ये मेन है ये सीएमओ हॉस्पिटल में जमा हो जाएगा, यानी जो मुख्य अस्पताल है आपका, जिला अस्पताल है, ये वाला आपको एक कॉपी इसकी जमा करनी होगी जहां पर आपको ट्रेनिंग करने जाना है। दूसरा वाला ये आपको ही दे दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, आपको दिया जाएगा कि हाँ आपने ट्रेनिंग की है, वो लिख करके आपको देंगे। और ये लास्ट वाला आपको कॉलेज में जाकर के जमा करना है, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी कॉलेज में लेकर जाएंगे, इसे कॉलेज में जमा कर देंगे। बाकी इन फॉर्म का कोई भी चार्ज नहीं हुआ है, आप जाएंगे आपको ट्रेनिंग लेटर फ्री में मिल जाएंगे, कोई पैसे आपको नहीं देने हैं, केवल आपको सीएमओ ऑफिस में पैसे देने हैं और आपको जहां आपका नंबर आता है ट्रेनिंग के लिए वहां देने हैं। अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते हैं, तो सीधे जाइए सीएमओ ऑफिस में, जो भी लिखते हैं जहां भी लिखते हैं वहां जाकर के ट्रेनिंग कीजिए, मत दो पैसे, वहां जाकर के ट्रेनिंग करो, वहां भी मत पैसे दो और रेगुलर जाओ, आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा, फ्री में आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन ये उनके लिए है जो बच्चे जिनके पास समय नहीं है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 50% ऐसे हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है, कोर्स कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ट्रेनिंग करने के लिए, तो उन्हें पैसे जमा करने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई टॉपिक अधूरा रह गया तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सूचना दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।